बेटा जिनकी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बाहर जा सकते हैं। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एटम। इन योर फेयर कॉपी यू हैव टू मेक अ टेबल दैट आई हैव ऑलरेडी टेल यू। ठीक है, आपने एटॉमिक नंबर लिखने हैं, एटॉमिक मासेस लिखने हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल्स हैं, उनकी वैलेंसी, उनकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन एंड यू हैव टू ड्रॉ योर टेबल। क्या टेन एलिमेंट के आयंस बताएं? अभी टेन एलिमेंट के आयंस बताएं बस। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, चेंज करवा दी है फर्स्ट 20 मैंने। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एटम। पढ़ के आए हैं हम, एटम जो है वो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है। मैंने आपको एटॉमिक मास भी बताया है कैसे कैलकुलेट करना है, बट इन जनरल जो एटॉमिक मास होता है, इन जनरल जो एटॉमिक मास होता है वो किससे बना है? सो यू ऑल नो हमने एटम की रिप्रेजेंटेशन देखी है, ऐसे ही होता है एटम। ऐसे ही एटम है, उसके आसपास ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर चीजें हैं जिनमें क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आप अपनी आवाज बंद करोगे तभी मेरी आवाज सुनेगी ना आपको, और मुझे ऐसे पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझ तक आपकी आवाजें आई जा रही हैं। पीपल आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। बताया मैंने शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, KLMN शेल्स, कंसेप्ट बताया ना मैंने आपको, जैसे ये K शेल हो गई, ये L शेल हो गई। अब जो एटम का सारा मास होता है दैट इज एक्चुअली कंसेंट्रेटेड इन द सेंटर। ठीक है, एटम का सारा मास जो है दैट इज कंसेंट्रेटेड इन द सेंटर। सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस। इसका मतलब जो भी एटम का मास है वो किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा। वेयर द न्यूक्लियस इट फर्दर गेट्स डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमारा जो न्यूक्लियस है, जो हमारा न्यूक्लियस है वो किसका किसका बना हुआ है? प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स। वेयर दीज प्रोटॉन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द न्यूट्रॉन्स दे आर न्यूट्रल। आप न्यूट्रल कह सकते हो सिंपली, और नो चार्ज। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का उत्तर। उठ जाओ, लास्ट सेकंड एक्स, लास्ट सेकंड, फर्स्ट एक्स पे आओ। तो यानी कि जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ किसके कारण है? प्रोटॉन्स के कारण। ठीक है, जो भी न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो सिर्फ प्रोटॉन्स के चार्ज के कारण जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो है। ओके, बिकॉज न्यूट्रॉन्स दे आर नेगेटिवली चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इज दैट क्लियर?
होल एटम और एटम ऑन द होल इज न्यूट्रल, ठीक है, बट जो न्यूक्लियस है, जो एटम के अंदर का न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से चार्ज हैं? तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? इसीलिए एटम ऑन द होल जो है वो न्यूट्रल है। बट अगर मैं अकेले न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस जो है वो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। हाँ जी, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तभी एटम न्यूट्रल बनेगा। पॉजिटिव प्रोटॉन्स है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव नेगेटिव को सेम करेंगे तभी एटम न्यूट्रल आएगा, फिर वो आयंस में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अगर किसी में पॉजिटिव और नेगेटिव कोई एटम है उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आयंस पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज आयंस है, एटम ऑन द होल न्यूट्रल है। ना फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि कौन से एटम्स में लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इनको माइनस। हमने यही कहा है, हमने आयंस की जब डेफिनेशन की हमने यही कहा है कि एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके देते हैं, तभी तो वैलेंसी का कंसेप्ट किया है। हाँ तूने आगे तक पढ़ा हुआ है, मुझे लगा तभी कंफ्यूज हो रहा है। मैं तो ही आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है? इज दैट क्लियर टिल नाउ? अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो एटम है दैट इज क्वाइट स्मॉल इन साइज, पढ़ा है? एटम इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो जो हमारा एटम का रेडियस है अब हम पहले वो स्टडी करेंगे। एटॉमिक मास समझ आ गया? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस और द मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको आप एटॉमिक मास भी कहते हो। किसी भी एटम का मास जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम कर दोगे तो वो आपको एटॉमिक मास देगा। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियाई। नाउ यू पीपल आर फेमिलियर विद द टर्म्स शेल्स। ठीक है, आपको शेल्स पता है, के एल एम एन शेल्स। आपने ये पढ़ा है कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। बताया मैंने अभी आपको कि इन शेल्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। नाउ देयर आर टू टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्टली व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और व्हाट इज वैलेंस शेल। वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट। क्या मतलब है? सबसे बाहर वाली। अगर मैं शेल करूंगी तो सबसे बाहर वाली शेल हो जाएगी। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहूंगी तो सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें से बताओ मुझे सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है? एम शेल है। तो इस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? दो टर्म समझ आ गई। वैलेंस शेल, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज नोन एज द वैलेंस शेल, एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल दे कॉन्स्टिट्यूट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस थिंग क्लियर? कोई डाउट किसी को अभी तक? मास्क पहनो। क्लियर? द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, जो आउटर मोस्ट शेल है आपकी, जो सबसे बाहर वाली शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दैट विल बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एटॉमिक रेडियाई। आप मैथ्स में पढ़ते हो
अगर ये सर्कल है तो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आप रेडियाई कहते हो। यू पीपल हैव डन दिस थिंग इन योर मैथ्स दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस राइट दैट इज कॉल्ड एज रेडियाई। तो हम एटॉमिक रेडियाई भी ऐसे ही बताते हैं। हमारा सेंटर क्या है, मतलब न्यूक्लियस से कहाँ तक जाना है हमने, आउटर मोस्ट शेल तक। सो इट इज द डिस्टेंस एटॉमिक रेडियाई, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ओके, एटॉमिक रेडियाई क्या है, क्लियर बेटा? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम दैट विल बी द एटॉमिक रेडियाई। ओके, नाउ सी द एटम्स, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, तो यानी कि जो इनका एटॉमिक रेडियाई आएगा वो भी छोटा ही आएगा, थोड़ा ही आएगा, एंड दैट इज जनरली मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। एटॉमिक रेडियाई इज जनरली मेजर्ड इन नैनोमीटर। अब पढ़ के आए हो ये कन्वर्जन सेकंड चैप्टर में, वेयर वन नैनोमीटर इज 10^-9। ठीक है जी, सबके करने आपकी बुक में कुछ एटम्स के एटॉमिक रेडियाई बताए हैं, यू शुड बी लर्निंग दैट क्योंकि एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है, जितने बुक में मेंशन्ड है। एटम ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियाई 10^-10। ठीक है जी, देन इट्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का कौन बोल रहा है, ग्रेन ऑफ सैंड, एचबी। चींटी का साइज है 10^-3 एंड द लास्ट इज एप्पल। अभी इसका 10^-10 लिखा है, माइनस में नंबर जितना ज्यादा होगा उतना छोटा है। कौन सा मैथ्स पढ़ रहे हो, बेटा ये पावर्स हमने मैथ्स में पढ़ी नहीं हुई, 10^-1, 10^-2। ये मैथ्स है, हीमोग्लोबिन। क्या -10 है, यानी कि 0.00000 समथिंग है, 10 तक इतना ज्यादा छोटा है। 10^-1
हाँ तो बड़ा है तो कभी तो आपको बोल तो रही हूँ, नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है उतना क्या है छोटा नहीं है। ये नंबर नेगेटिव में बड़ा है यानी कि एटम ऑफ हाइड्रोजन का साइज उतना छोटा है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से थोड़ा सा बड़ा है, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन उससे भी ज्यादा बड़ा है। सैंड का ग्रेन आप देख सकते हो ना, 10^-4 तक पहुंच गया। चींटी भी आप विजुलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, बड़ी होती है 3। एप्पल का साइज भी बड़ा है, यू कैन विजुलाइज, ठीक है। रेडियाई बता रहे हैं, रेडियाई रेडियस 10^-3 एप्पल का। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट राइट डाउन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमने कर लिए हुए हैं, बट दे वर एक्चुअली गिवन बाय द डाल्टन, ठीक है। एंशियंट सिंबल्स हैं, लेटेंट सिंबल्स हैं, जो पहले डाल्टन ने प्रपोज किए थे। ओके, सो राइट डाउन फॉर द हाइड्रोजन, सबसे बाहर वाली शेल, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे अगर ये कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं तो इसकी आउटर मोस्ट शेल के शेल है, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं तो इसकी आउटर मोस्ट शेल एल शेल है, अगर ये है तो इसकी आउटर मोस्ट शेल एम है, इसकी एन है। ये समझ आ गया, प्रपोज ही कैसे कर सकी है। नैक, नैक तो नहीं बोला मैंने कुछ, सो दी सिंबल्स दे आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो करने हैं, एनसीईआरटी में से तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। दिस इज फॉस्फोरस, दिस इज हाइड्रोजन, कार्बन, हाँ जी, बेटा ये सबसे पहले डाल्टन ने प्रपोज किए थे, सुनते हो नहीं अच्छे से, आपका ध्यान ना अपनी बातों में ज्यादा है, मेरी बातों में कम है, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा जल्दी। मैंने सबसे पहले बोला है कि डाल्टन ने प्रपोज किए, फिर भी पूछी जा रहे हो। क्या हुआ, उठ जाए यहाँ से, लास्ट डेस्क पे जाओ, गो एट द लास्ट।
आपकी क्लास में तो पहला काम आके ये करना चाहिए, सीट चेंज करनी चाहिए सबकी। अगर आपसे ये सिंबल पूछेंगे तो उन्होंने लिखना है विच आर द सिंबल्स और व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस दैट इज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, तो फिर आपने डाल्टन के अकॉर्डिंग ये सिंबल्स लिखने हैं। हाँ जी बोलते ज्यादा हो, काम कम करते हो आप। आ रही हैं आपकी क्लास में? राइट डाउन द नेक्स्ट थिंग। Apart from this, some elements they were given name from their cities, from where they were mined. कुछ उनके कलर्स के बेसिस पे उन्होंने नाम दिए, जैसे गोल्ड है येलो कलर है ना, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सिंबल्स हैं जिनको डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स उनको नेम दिए गए थे। जैसे राइट डाउन फॉर द एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर इज डिराइव फ्रॉम साइप्रस, साइप्रस साइप्रस सिटी है, कंट्री है, ठीक है, जहां से उसको फर्स्ट टाइम माइन किया था, तो कॉपर का नेम वहां से डिराइव किया था। कॉपर वॉज नेम्ड एज साइप्रस। जहां से उसको फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, माइन किया गया था। गोल्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश मीनिंग वर्ड येलो। गोल्ड का नेम गोल्ड क्यों रखा, क्योंकि येलो कलर की अपेयरेंस थी, फ्रॉम द इंग्लिश मीनिंग वर्ड येलो। क्लोरीन is derived from the Greek word meaning yellow green. Chlorine is derived from the Greek word meaning yellow green. ये chlorine जो है वो yellow green color की gas है, ठीक है, इस gas का color होता है yellow green, तो उसको उसी के नाम से ही रख दिया उन्होंने। From the Greek word, not English, Greek word, yellow green. Symbol की definition लिखवाई हुई मैंने आपको। Symbol is a shorthand notation of an element. Symbol is an shorthand notation of an element. Symbol is a shorthand notation of an element. सिंबल इज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट। बातें कर लो पहले, मैं बोल रही हूँ। फिर शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट लिख लिया। नाउ द प्रेजेंट सिंबल्स दैट यू आर राइटिंग दैट आर अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग, ठीक है। जो प्रेजेंट सिंबल्स आपको 120 एलिमेंट्स में करवाए हैं, वो सिंबल्स जो हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC।
शॉर्ट हैंड नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट. अब ठीक है. Is this the correct way of representation of copper? Why? So whenever you are having the name of the elements with a single alphabet, that should be capital. ठीक है. And when you are having the two alphabets, the first alphabet it should be, and the second alphabet should be small. ठीक है जी. So this is the correct representation. नाइट्रोजन का ये करेक्ट है? नो मैम. यस. ओके. तो अगर आपने पेपर में ये लिखा हुआ तो हमने फिर गलत कर देना. ठीक है. आप अगर पेपर में नाइट्रोजन को एन लिखोगे तो वी विल डू दिस रॉन्ग. ओके. नाउ राइट डाउन सम ऑफ द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स. Some names of the elements, they were derived from कुछ elements के names जो थे Latin, Greek या English languages में से derived किए गए थे. जैसे iron का from the Latin ferrum. आयरन का इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन नेम फेरम. सोडियम इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन नेम नैट्रियम. हाँ जी. हाँ जी. और तभी पोटेशियम को के कहते हैं क्योंकि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कैलियम. ये सारे लेटिन नेम है. लेटिन नेम्स. सिल्वर को कहते हैं आर्जेंटेट. आर्जेंटम. इसीलिए सिल्वर एस से नहीं स्टार्ट होता है, एजी से स्टार्ट होता है. ओके. डन टिल नाउ. अब उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक केमिकल फॉर्मूलास. ठीक है. उसके लिए मैं आपको कुछ आयंस बताऊंगी. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के जितने भी आयंस हैं वो आपने लर्न कर लेने हैं. बाय द नेक्स्ट टाइम यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट. व्हेन आई एम सेइंग द वैलेंसी ऑफ सोडियम और सोडियम आयन तो आपके दिमाग में एन ए पॉजिटिव आ जाना चाहिए. पोटेशियम क्या होता है? मैग्नीशियम. Mg2 पॉजिटिव. ऑक्सीजन O2 नेगेटिव. क्लोरीन Cl नेगेटिव. लिथियम Li पॉजिटिव. ठीक है. तो ये चीजें आपको नेक्स्ट टाइम लर्न होनी चाहिए. लग तो जाएगा बट दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग.
एटॉमिक नंबर से पहले बनाओगे कॉन्फ़िगरेशन तो सीधा आयंस आपको याद होने चाहिए। वैसे भी हम बहुत सारे फॉर्मूलाज करेंगे, आपको ऑलरेडी हो ही जाएंगे, यहाँ पेपर तक तो हो ही जाते हैं। Thank you.